मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन के चलते मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना शुरू की थी, जो कि लोक कलाकारों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत प्रदेश भर के लोक कलाकारों की प्रविष्टियां प्राप्त हो रही हैं। जयपुर रविंद्र मंच की प्रबंधक शिप्रा शर्मा ने बताया कि कला संस्कृति विभाग की ओर से रविंद्र मंच को इस योजना के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया था। विभाग को अब तक 1500 से अधिक कलाकारों की प्रविष्टियां मिली है। इसके लिए एक समिति बनाकर करीब 350 कलाकारों की प्रविष्टियों का चयन किया गया है। साथ ही चयनित प्रविष्टियों के लिए लोक कलाकारों को 2500 रुपये का ऑनलाइन भुगतान किया जा रहा है। इसके अलावा चयनित बेहतरीन प्रविष्टियों के करीब 50 वीडियो YouTube पर भी अपलोड किए जा चुके हैं। रविंद्र मंच को सरकार की तरफ से CM लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना का नोडल ऑफिस बनाया गया था। उसके लिए राजस्थान के विभिन्न गांवों के जो लोक कलाकार हैं, उन्होंने अपने वीडियोस बना के हमने एक डेडिकेटेड ईमेल आईडी स्थापित की थी, उस पर अपने वीडियोस भेजे। और जो सरकार के कुछ विभिन्न ऑफिसेज हैं, उनसे 3 अधिकारियों को लेके हमने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी जिसकी संयोजक रविंद्र मंच मैनेजर मैं थी, हम लोगों ने रोज़ उन वीडियोस को देखा और उन वीडियोस में से